हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपको पता होगा कि ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता चंपत राय थे, उन्होंने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव को तो पता नहीं, अखिलेश यादव को दिया कि नहीं, उन्होंने गोली चलवाया था ना उनके बाप ने, शायद नहीं भी दिया होगा। फिर इन लोग को इन्विटेशन भेजा था। अब आज कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में जो कांग्रेस का लीडर है, ये लोग राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां नहीं जाएंगे। मतलब एक तरह से 100 करोड़ हिंदुओं का तिरस्कार, उनकी भावनाओं का तिरस्कार करना, 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का अनादर करना। जो राम 100 करोड़ हिंदुओं के दिल में बसते हैं, रग रग में बसते हैं, वहां पे जाने से मना करना, मतलब ये 100 करोड़ हिंदुओं का एक तरह से तिरस्कार नहीं तो और क्या है? उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाना तो नहीं? और इनको हिंदुओं का वोट चाहिए, ये किस लिए नहीं जा रहे? वो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मोदी उद्घाटन कर रहे हैं इसलिए नहीं जा रहे हैं। ये मुसलमान लोग नाराज ना हो जाए इसलिए ये नहीं जा रहे हैं वहां पे। इनको मुसलमानों का वोट, अब इनको इतना अक्कल नहीं है कांग्रेसी नेताओं को कि आखिर अगर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो देंगे किसको? अब अखिलेश यादव भी नहीं जाएगा, अरे तो मुसलमान किसको वोट देगा भाई? आप लोग अलायंस बना रहे हो सिर्फ इसलिए कि मोदी को हराना है, और कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ भी नहीं आपका। वन पॉइंट एजेंडा कि मोदी को हराना है। तो इस देश के 100 करोड़ हिंदू इतने बेवकूफ हैं? आप लोग दिखाने के नाम पे कम से कम वहाँ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिखाने के, बिना मन के कम से कम जाना तो चाहिए आपको। और न जा करके क्या संदेश देना चाह रहे हो? किसको संदेश? 100 करोड़ हिंदुओं को अच्छा लगेगा ये न जाना आप लोग का? आपके न जाने से ऐसा थोड़ी है प्रोग्राम नहीं होगा, कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम तो होगा ही। और जो मोदी की बात है, वो ट्रस्ट के लोग जब मोदी को इनवाइट कर रहे हैं ना प्राण प्रतिष्ठा के समय में, तो ट्रस्ट वालों से पूछिए, आपको भी ट्रस्ट वालों ने इन्वाइट किया, कोई मोदी ने थोड़ी इन्वाइट किया है। बार बार बोलती हो बीजेपी जो है राजनीति कर रही है, करेंगे ना, उनके तो एजेंडा में ही था, उनके एजेंडा में था, उन्होंने इतना फाइट किया है राम जन्मभूमि के लिए, तो वो तो करेंगे ही राजनीति, ना करें तो भी सब जानते हैं। तो ये सबसे बेवकूफी का डिसीजन कांग्रेसियों ने लिया है। जो रही सही कसर इनको 40-40% बोलते हैं ना, तो 40% में तो 35% तो मुसलमानों का ही वोट इनको मिलता होगा, बाकी 5% जो हिंदुओं का वोट मिलता रहा होगा ना, अब वो भी नहीं मिलेगा। यात्रा करो, जो मर्जी आया करते रहो। एक मतलब इन लोग का कि दिमाग किस तरह का है? ये भारत है, यहाँ पे पता नहीं क्या चाहते हो। जिस दिन यहाँ मुसलमान गलती से मेजोरिटी में आ जाए ना, समझ में आ जाएगा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो करते हैं। फ्रेंड्स देख लिए कितना बेवकूफी का डिसीजन इन लोगों ने लिया है, और बहुत नफरत हो गई है कांग्रेस में। इससे इनको क्या मिलना है पता नहीं। इनसे अच्छा तो कम से कम शिवसेना वाले हैं ना, खुलेआम बोलते तो हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो तो नहीं डरते इतना ना। ये ऐसी राजनीति करके आप नहीं सरकार में आने वाले हो कांग्रेसी लोग, समझ लेना, और नीचे दबते जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये देखिए एकदम लेटेस्ट आज का ही न्यूज है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।